बोलो कुलदीप। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं हमारे समस्त चैनल। आज हम मौजूद हैं लाजपत भवन में, जहां की मन्नत एंटरटेनमेंट की तरफ से मेकअप का महामुकाबला सीजन 7 चल रहा है, जिसके ऑर्गेनाइजर लोकेश भाई हैं। और हमारे साथ में आप बहुत सारे चीफ गेस्ट, सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर, गुडविन ब्रांड एम्बेसडर, सभी से आपकी मुलाकात कराएंगे। अभी मैं बुलाना चाहूंगा सविता अरोड़ा जी है हमारे साथ में, और मिनी कौर जी है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे आज के प्रोग्राम की खासियत क्या है। सबसे पहले बात करेंगे सविता अरोड़ा जी से और जानेंगे इनके ख्याल। स्वागत है पहले तो आपका चैनल पे हमारे। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी लोकेश सदीजा जी को, जिन्होंने यहाँ पर मुझे एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया, और जो सम्मान और जो सरप्राइज उन्होंने आज मुझे क्राउनिंग सैश करके दिया, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगी पी न्यूज का, नदीम जी का, जिन्होंने हमेशा मेरे मुझे आगे से मोटिवेट किया है और मेरी आवाज को, मेरी पहचान को समाज के सामने और दुनिया के सामने लाए हैं, और इसके लिए मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये जो आज का कॉन्सेप्ट रखा है ब्राइडल कंपटीशन और मेकअप का महामुकाबला में, ये एक बहुत बड़ा मंच है जहाँ पर ब्राइडल्स के साथ साथ मेकअप करने वालों के लिए हुनर को भी इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स और अपनी मेहनत को आज स्टेज पर लेकर आए हैं। और बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारी मॉडल्स हैं जिन्होंने ब्राइडल का रूप दिया गया है, और उन मेकअप आर्टिस्ट को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और उनको ये बेस्ट विशेस देना चाहूंगी कि वो अपनी इस हुनर को ऊंचे मुकाम तक लेकर जाएं और अपनी पहचान अलग से नहीं बनाएं। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी समय देने के लिए। हम यही आशा करेंगे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की। साथियों, मेरे साथ में आप देख रहे हैं लोकेश सविता जी है, जिन्होंने की आज ये मन्नत एंटरटेनमेंट प्रेजेंट मेकअप का महामुकाबला सीजन 6 कंप्लीट किया है और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट लेके आए। हमारे साथ में लोकेश भाई है। भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पे हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भाई, आप आज आए हमारे यहाँ पे और एक हमें अच्छा मंच प्रदान करते हैं, हमें अपने आप को स्लाइड करने का, हमें अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का। क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में, जो इतना नए नए कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं और इसमें सारे सेलिब्रिटी गेस्ट पहुंचे, ब्रांड एम्बेसडर, कई सोशल वर्कर भी देखने को मिले आपके शो में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैसेज यही देना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से सपोर्ट करता हूँ मॉडल्स और मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर जो अपकमिंग है, एस्पायरिंग है, जिनको सही ढंग का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। मेरी कोशिश रहती है कि एक ईमानदारी से उन्हें एक प्रोवाइड करूँ मैं पूरा प्लेटफॉर्म, ताकि उनको नेम फेम आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको सोशलाइट होने का मौका मिले, ताकि लोग उनको देखें, नोटिस करें। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनके लिए ये काम करूँ। जैसे कि हमने देखा कई सारे सोशल वर्कर भी थे और सेलिब्रिटी गेस्ट भी थे, इन लोगों के लिए क्या धन्यवाद। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बहुत शुक्रगुजार रहता हूं मैं इन सबका, समाज के अलग अलग तबके से लोग मेरे पास आते हैं, चाहे वो सोशल वर्कर है या कोई भी है, वो कहीं ना कहीं तो ग्लैमर से जुड़े हुए हैं। चाहे आज कोई सीनियर का सोशल वर्कर है, मेकअप वो भी करती है, तो उन लोगों को मैं इसलिए इन्वाइट करता हूँ कि मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट है वो नोटिस करें उन्हें, और तभी उनके साथ काम करने का मौका मिले तो वो जरूर करें। हमारे चैनल के लिए क्या रिव्यू देना चाहेंगे जो आपने चैनल आपके पास? आपके चैनल को तो हमेशा ही मैं शुक्रगुजार कहता हूँ कि आपके चैनल से हमें भी एक अच्छा मंच प्रदान होता है, आप करते हैं कि हमें लोग जितना जानते हैं और ज्यादा लोगों तक हमारी बीच पहुंचती है और हमारे इवेंट आगे से आगे कामयाब होते हैं। बहुत बड़ा हाथ है आपसे करने का। आज मैंने कहा भी था कि एक इवेंट एक मीनार की तरह होता है, जिसके चार पिलर और एक पिलर मीडिया होता है, मीडिया को सक्षम बना के रखना हमें अपने लिए भी जरूरी हो जाता है, तो हमारी खुद की इमारत फैल जाएगी। नहीं, हमारी भी शुभकामना है लोकेश भाई, आप इसी तरीके से अच्छे अच्छे बेहतरीन इवेंट करते रहें और इसी तरह मन्नत एंटरटेनमेंट भी दुनिया में हर स्टेट में फैलाते जाएं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया भाई, तरक्की करें। मिनी गौर जी है हमारे साथ में, जो कि स्पेशल गेस्ट है और आज इन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है यहाँ पे लोकेश जी के द्वारा, मन्नत एंटरटेनमेंट के द्वारा। जानेंगे इन्हीं से वो सरप्राइज भी क्या है। मिनी जी, स्वागत है आपका भी पहले चैनल पे। थैंक यू सो मच।
मैं कहना चाहूंगी लोकेश जी के लिए स्पेशली, मैं उनके साथ ऑलमोस्ट 7 ईयर से जुड़ी हुई हूँ और उनके एवरी इवेंट पे मैं आती हूँ, और आज जो मुझे उन्होंने सरप्राइज दिया है सैश एंड क्राउनिंग की है, उसके लिए तो मैं मतलब बहुत 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 थैंक यू करती हूँ उनको। और हाँ, उनके जो इवेंट्स रहते हैं हमेशा से बहुत बहुत ही सक्सेसफुल रहते हैं और अच्छे रहते हैं। उनका जो प्लान रहता है या उनके आइडियाज रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, हर बार कुछ नया लेके आते हैं, वो इस बार भी कुछ नया लेके आए हैं। एंड इस बार का जो कॉन्सेप्ट है राधा रानी उन्होंने रखा है, और मैं अंदर देख रही थी कि ऐसी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस एंड उसके साथ साथ जो उन्होंने कॉम्पिटिशन किया मेकअप का वहाँ मुकाबला, मतलब वो तो मैं मतलब कहते हैं काबिले तारीफ है। मेकअप आर्टिस्ट जो आए हैं उन्होंने अपनी काबिलियत अपनी मेहनत जो दिखाई है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कि जिनको कहते हैं ना कि काया ही पलट कर देना एक मॉडल की, वो सब करते हैं वो लोग, तो ये तो हमेशा से बहुत ही अच्छा रहता है। तो थैंक्स करना चाहूंगी अगेन लोकेश जी का जो मुझे हमेशा इन्वाइट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके इवेंट्स पे आके। थैंक यू सो मच। थैंक यू साथियों, मेरे साथ में आप देख रहे हैं एक सेलिब्रिटी सिंगर राइटर और कंपोजर वीर सिंह दहिया जी हैं हमारे साथ में, जिनका कि एक गाने ने बड़ा धमाल मचाया, तेरी अखियों का एक अजल, और अभी दूसरा गाना भी इनका धमाल मचा रहा है, उसके बारे में ये खुद बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज जो यहाँ पे मन्नत इंटरटेनमेंट द्वारा मेकअप का महामुकाबला सीजन 6 चल रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है, कैसा लगा भाई आके, क्या मैसेज देना चाहेंगे वीर भाई? सबसे पहले तो मैं सबको आप सबको नमस्कार करता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम जो है बार बार आप लोगों को कराना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं लोकेश जी के लिए जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा मेकअप में। एक्चुअल में ऐसी चीजें कम लोग रखते हैं, मेकअप की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, और लोकेश जी ने इसके बारे में सोचा और ये महामुकाबला है। यहाँ दूर दूर से बॉलीवुड से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगा और मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पर आके, और ये मेरा सौभाग्य है जी। अच्छा वीर भाई, जैसे कि हमने बात करी तेरी अखियों का एक अजल गाने की, जिसने कि पूरे वर्ल्ड में धमाल मचाया था, क्या कहना चाहेंगे, और नया जो सॉन्ग आया उसके बारे में भी बताइए। देखिये, हर कलाकार की कोशिश रहती है कि एक अच्छा गीत आए, लेकिन ये ऊपर वाले का कर्म होता है, उनका आशीर्वाद होता है, ईश्वर की कृपा होती है कि गाना एकदम से हिट हो जाता है, क्लिक कर जाता है। तो मेरा लिखा हुआ ये गीत जो है लोगों को पसंद आया, मैंने काफ़ी दिल से ये चीज़ लिखी थी। अब इसका हम लोग पार्ट 2 लेके आ रहे हैं जिसका नाम है जानम जानम करके, और मार्केट में आ चुका है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और प्यार लोगों का मिल रहा है। उसकी दो कुछ चंद लाइनें हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। वैसे तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल खराब है, लेकिन मैं जरूर 2 लाइनें गुनगुनाऊंगा आप लोगों के लिए। जानम हो जानम तेरी याद घणी आवे, मैं जागूं सारी रात दिल की ते चैन ना पावे, हमें जागूं सारी रात दिल की ते चैन ना पावे। क्या बात है वीर भाई, हमारे चैनल्स को क्या दुआएं देंगे आज? वो कहते हैं ना नंबर 10 out of 10 जो होते हैं, तो मैं मुझे लगता है 10 out of 20 दे दूं आप लोगों को। तो क्या बात है, ये तो आपका प्यार है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू। साथियों मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं एक और सिंगर है हमारे, सेलिब्रिटी है लविश, बात करेंगे इनसे भी आज यहाँ के कैसा लगा, और आज एक फैम के साथ दूसरा फैम खड़ा है, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या मैसेज देते हैं? लविश सबसे पहले स्वागत है आपका। पहले तो राम राम सभी को, मेरे को मौका मिला यहाँ पर आने का, मैं थैंक यू करता हूँ लोकेश जी का। और मेरा न्यू सॉन्ग आ चुका है यार राकेश है, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लविश भवानी ऑफिशियल पे, जिसने भी अभी तक नहीं देखा जाकर देखो और अच्छे व्यूज दो और बढ़िया आग लगा दो। अच्छा उस गाने की 2 लाइनें सुना दो हमें। छोरिया बंदूक का हथियार कोनी रखे, मने जान देने लेने आले यार रखे से, छोरिया बंदूक का हथियार कोनी रखे, मने जान देने लेने आले यार रखे से। क्या बात है वीर भाई, क्या कहेंगे इस भाई के लिए, छोटे भाई के लिए? कमाल है, इस उम्र में इतना टैलेंट बहुत कम लोगों को में देखने को मिलता है, और हम लोग थे इस एज में तो हमें ABC का भी नहीं पता था। तो मेरी शुभकामनाएं हैं भाई के, लवेश भाई के साथ में, ये बेटा है हमारा, भतीजा है, और इसका ये सॉन्ग है और मुझे काफी पसंद आया है, तो मेरी शुभकामना है कि ऐसे ही गाने बार बार देते रहें, हर बार देते रहें, और हिट गाना लोगों का प्यार मिलता रहे। साथियों लवेश भाई को सपोर्ट करें, और इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है लवेश भाई का, उस पर जाके उसे सब्सक्राइब करें और इनको बहुत प्यार दें, धन्यवाद। साथियों मेरे साथ में आप देख रहे हैं बॉलीवुड एक्टर है और एक बहुत ही नेक दिल इंसान और एक हमदम और मेरे दोस्त,
जुनेद हुसैन खान साहब जो कि आज यहाँ मन्नत के माँ मुकाबले सीजन 6 में पहुंचे, क्या कहते हैं, क्या मैसेज देते हैं, जानते हैं इनसे एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ आज आए हैं। जुनेद भाई स्वागत है पहले तो चैनल पे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। क्या कहना चाहेंगे, आज जो ये 6th सीजन चल रहा है मेकअप के माँ मुकाबले का, कैसा लगा और ये जो नए नए कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिले, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप? देखिए मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरे लिए तो ये फर्स्ट सीजन है जी। और जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन की जा रही है। महा मुकाबला जिसे कहते हैं कंपटीशन, तो कंपटीशन का मतलब होता है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको बताना कि कहाँ कमी रह गई है और कहाँ आपको अभी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है। तो लोकेश जी ने बहुत अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया है, निधि जी ने, लोकेश जी ने, तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा शो ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, दुआएं हमेशा इनके साथ। अच्छा कंटेस्टेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा एक्साइटेड ना रहें और पैशन और पेशेंस को मिला के रखें, क्योंकि उनका ये शुरुआती पड़ाव है और उनकी एक कोशिश है, तो कोशिश को पंख जब लगते हैं जब इंसान रेगुलर काम करता है ना लगातार। अच्छा जुनेद भाई, जो इतने सारे चैनल लगे हुए हैं, चैनलों को क्या दुआएं देंगे आज आप? चैनल्स के लिए तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, क्योंकि इन चैनल्स की वजह से ही हम हैं यहाँ पे। और जैसे कि शोज होते हैं वो लोग प्रमोट करते हैं नए नए टैलेंट को, तो ऐसे ये चैनल्स भी हैं जो कितने ना जाने आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, तो ऐसे ही प्रमोट करते रहें, चैनल हमेशा आपका दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, थैंक्स। तो वही अब हमारे जो क्योंकि बीआरटी गेस्ट हरजिंदर जी माजी साहब जानते थे आज के प्रोग्राम के बारे में। हर मैम, हाँ मैम, आज के प्रोग्राम को मैं आके आपको कैसा लगा, आज इतना अच्छा मेकअप का मुकाबला है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मुझे तो, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, जो हमारे लोकेश जी उनका मल्लत का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने न्यू थीम ली है, तो न्यू थीम को मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो वो ब्यूटी तो दिख रही है, मेकअप तो दिख रहे हैं, लेकिन साथ के साथ जो अपना वो अपना वो डांस करके परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, उससे मेकअप और निखार आ रहा है, बहुत ग्लो आ रही है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें हो रही है। तो मुझे एक अलग थीम का बहुत अच्छा लगा है। लोकेश जी का ये जो प्रोग्राम है, जो इसमें गेस्ट आए हैं, जो ज्यूरी आए हैं, वो इतने ध्यान से प्रोग्राम को देख रहे हैं और सिलेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी मैम, अगर पार्टिसिपेट की बात करें, इतनी अच्छी से राधा कृष्ण की बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वाओ, इसके एकदम वाओ कहूंगी, क्योंकि मैंने इतने जो प्रोग्राम्स देखे हैं मेकअप को लेके, लेकिन मुझे बहुत डिफरेंट लगा कि मेकअप के साथ साथ जो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि जो वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उससे वो राधा कृष्ण वाला जो निखार है वो उभर के आ रहा है। नहीं तो ये होता है कि थीम भी वो आए अपना थोड़ा परफॉर्मेंस के गए, नहीं वो चीज उभर के आ रही है, उनके फीचर्स दिख रहे हैं, एक-एक चीज की हमें का बहुत अच्छा किया। अच्छा अरजिंदर जी, जैसे परफेक्ट ब्यूटी एम्पायर है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखो परफेक्ट ब्यूटी एम्पायर जो अभी अपने लिए 3 शो कर चुका है, 2 मास्टर क्लास दी है, 1 शो दिया अभी, सेकेंड उसका जो है अभी 10 सितंबर को अभी एक हमारा ऑडिशन आने वाला है। जो उसका थीम है वो भी डिफरेंट है, हम भी जो न्यू स्टार्टर जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ब्यूटी परफेक्ट एम्पायर आगे आया है और आगे रहेगा और हमेशा सबके तरह सब टीम से मिलजुल के काम करेगा। मैम आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने अभी जैसे बताया कमिंग 10 सितंबर को आ रहा है, वो ऑडिशन है, अभी हम 5 से 6 ऑडिशन रखेंगे, फिर ऑडिशन से सिलेक्शन करके फिर उसके बाद हम एक शो तैयार करेंगे, वो बहुत जल्दी आप सबको बुलाएंगे, शो को सुपर करेंगे।